यूपी के 75 जिलों में 40% यानी 30 में सामान्य वर्ग के जिलाधिकारी डीएम तैनात हैं। इनमें 26%, 20 ठाकुर तो करीब 11%, 8 ब्राह्मण जाति के हैं। अब प्रदेश के जिलों में की तैनाती पर नजर डालें तो 18 जिलों की कमान ठाकुर जाति से संबंध रखने वालों के हाथ में है, जबकि इतने ही जिलों की कुर्सी पर ब्राह्मण जाति के एसएसपी तैनात हैं। सरकार भले ही जाति देखकर कुर्सी देने के तथ्य को नकार दे, लेकिन अधिकारियों की मौजूदा तैनाती कुछ ऐसा ही इशारा करती है। अब अनुसूचित जाति की बात करें तो सिर्फ 4 डीएम शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, वही 5 जिलों के हैं। ओबीसी जाति के अधिकारियों की स्थिति थोड़ी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि सूबे के 14 डीएम ओबीसी जाति के हैं, वही 12 भी ओबीसी हैं। योगी सरकार ने यादव अधिकारियों पर भरोसा नहीं जताया है। सिर्फ 1-1 जिले में डीएम और यादव रखे गए हैं। इनमें 4 जिलों गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। मुस्लिम अधिकारियों को योगी राज में जिम्मेदारी नहीं, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा जोर दिया गया। उन्होंने खराब लॉ एंड ऑर्डर वाले जिलों में डीएम और एसएसपी अपनी पसंद के तैनात किए हैं। फ्री हैंड देकर अधिकारियों को अपराध के खिलाफ लड़ने की छूट दी। इन सब के पीछे योगी सरकार में एक भी जिले की कमान मुस्लिम अधिकारियों को नहीं सौंपी गई है। एक सिख, एक क्रिश्चियन भी शामिल यूपी के 75 जिलों की कमान सौंपने में खास बात ये भी है कि एक सिख और एक क्रिश्चियन शामिल है। बलरामपुर के डीएम सैमुअल पॉल एन और शामली की डीएम जसजीत कौर है। यही नहीं, ओबीसी वर्ग में एक ही आईपीएस मौर्य जाति से है, जिनका पूरा नाम अरविंद कुमार मौर्य है। सपा ने यादव, बसपा ने अनुसूचित जाति के अधिकारियों पर जताया भरोसा। ऐसा नहीं है कि जाति विशेष के अधिकारियों की तैनाती को लेकर घेराबंदी सिर्फ योगी सरकार की ही हुई है। सपा शासन में अधिकांश यादव अधिकारियों को कमान सौंपी गई, जबकि बसपा सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारियों पर भरोसा जताया जाता रहा।